तो एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट और एटोरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट क्या काम में आती है और जानेंगे इन दोनों टैबलेट के यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने ईयर्स कितने साल के व्यक्ति को इन दोनों टैबलेट का यूज करना चाहिए और दिन में कितनी बार इन दोनों टैबलेट का यूज करना चाहिए और जानेंगे इन दोनों टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, इसका साइड इफेक्ट क्या है और जानेंगे इन दोनों टैबलेट की पैकिंग के बारे में। ये कितने टैबलेट की पैकिंग में ये आती है, एटोरॉक्स एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट कितने टैबलेट की पैकिंग में आती है और एटोरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट कितने टैबलेट की पैकिंग में ही आती है और जानेंगे इन दोनों टैबलेट की कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है, इन दोनों टैबलेट को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, हम इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे साथ ही साथ इन दोनों टैबलेट के एमआरपी प्राइस के बारे में। इसका एमआरपी प्राइस क्या है, एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट का एमआरपी प्राइस क्या है और एटोरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट का एमआरपी प्राइस क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरी यानी अपने दोस्त राजेश, मैं आपको इन दोनों टैबलेट की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बस इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों टैबलेट की क्या काम में आती है, इन दोनों टैबलेट के क्या काम में आती है, एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट और एटोरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल खास तौर से चिंता का इलाज के लिए भी किया जाता है और सर्जरी से पहले उसके बाद रिफ्लेक्स होने में मदद करती है। त्वचा पर खुजली लगना, रेडनेस पड़ जाना, लालिमा होना या सूजन होना, एक्जिमा होना, हर्मेटाइटिस, सोराइसिस या रेसेस होना या दाद होना या खुजली हो जाना, दाने निकल आना या उसमें खुजली लगना या शरीर में किसी भी जगह खुजली लगना। तो दोस्तों हम ऐसी कंडीशन में और इस कंडीशन में एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट और एटोरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट का यूज हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं दोनों टैबलेट के यूज़ के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने ईयर्स कितने साल के व्यक्ति को इन दोनों टैबलेट का यूज़ करना चाहिए और दिन में कितनी बार इन दोनों टैबलेट का यूज करना चाहिए। इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 18 ईयर्स 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद दिन में दो बार, सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ या पानी के अनुसार दिन में दो बार। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ प्रेगनेंसी महिला कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों मेरा मानना तो यही कि जब तक लेडीज़ प्रेगनेंसी में तब तक इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इन दोनों टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। दोस्तों आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों जैसे कि त्वचा पर दवा खाने के बाद आने वाली नींद और निचली आना या उल्टी आना, पेट का खराब होना, कब्ज बनाना। तो दोस्तों आपको साफ समझ जाइए आपको ये दोनों टैबलेट सूट नहीं हो रही हैं, तो आप इस दोनों टैबलेट का यूज़ करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों टैबलेट के कॉम्बिनेशन के बारे में, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसका कॉन्टेंट क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट का कॉन्टेंट क्या है और एटोरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट का कॉम्बिनेशन क्या है। इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट का कॉम्बिनेशन है दोस्तों हाइड्रोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम टैबलेट, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। और जान लेते हैं दोस्तों एटोरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट के कॉन्टेंट के बारे में, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों हाइड्रोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड 25 मिलीग्राम टैबलेट, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं दोनों टैबलेट की पैकिंग के बारे में, ये कितने टैबलेट की पैकिंग में ये आती हैं, एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट कितने टैबलेट की पैकिंग में आती है और एटोरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट कितने टैबलेट की पैकिंग में आती है। ये आती है दोस्तों एटोरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट, ये आती है दोस्तों 1:5 की बात की जाए तो ये आती है दोस्तों 1:15 15 टैबलेट की पैकिंग में ये आती है और इसके पूरे बॉक्स की बात की जाए तो ये आती है दोस्तों
ये आती है दोस्तों 375 टैबलेट, 375 टैबलेट की, 375 टैबलेट की पैकिंग में ही आती है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं एटरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट की पैकिंग के बारे में, ये कितने टैबलेट की पैकिंग में ये आती है। ये आती है दोस्तों 1:10, ये भी 15 टैबलेट की पैकिंग में ही आती है। और इसके इसके पूरे बॉक्स की बात की जाए तो ये आती है दोस्तों 375 टैबलेट, 375 टैबलेट की पैकिंग में ये आती है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन्होंने टैबलेट की कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है एटरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट और एटरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसको बनाती है दोस्तों, इसको बनाती है एटरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट को बनाती है दोस्तों मार्केट इन इंडिया बाय डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और जान लेते हैं दोस्तों एटरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट की कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसको बनाती है दोस्तों मार्केट इन इंडिया बाय डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों टैबलेट की, इन दोनों टैबलेट की एमआरपी प्राइस के बारे में, इसका एमआरपी प्राइस क्या है, एटरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट का एमआरपी प्राइस क्या है और एटरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट का एमआरपी प्राइस क्या है। इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों, एटरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट का एमआरपी प्राइस है दोस्तों 40 रुपीज़ 94 पैसे, 40 रुपये 94 पैसे, ये इसका एमआरपी प्राइस है। और जान लेते हैं दोस्तों एटरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट के एमआरपी प्राइस के बारे में, इसका एमआरपी प्राइस क्या है। इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों 73 रुपीज़ 15 पैसे, 73 रुपये 15 पैसे, ये इसका एमआरपी प्राइस है। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती हैं, आप इसको एटरॉक्स 10 मिलीग्राम टैबलेट और एटरॉक्स 25 मिलीग्राम टैबलेट के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।